नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम साबूदाना के वड़े बनाएंगे। आज का वड़ा स्पेशली हम व्रत के लिए बनाएंगे, तो आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा के मेरे वीडियोस को लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप साबूदाना लिया है। वेट से ये 200 ग्राम साबूदाना है। साबूदाने को मैंने भिंगो के 2 घंटे के लिए रख दिया था, और ये देखिए ये अच्छे से फूल गया है। ये आपस में बिल्कुल भी चिपका नहीं है, बिल्कुल खिला खिला फूल के तैयार हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने लिया है 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू। आलू को हम अच्छे से हाथ से मैश कर लेंगे, या फिर चाहें तो आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें एक भी बड़ी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, यानी कि आलू के एक भी बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। ये आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक कोई बड़ा बर्तन ले लेंगे जिसमें हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर सकें। अब हम इसमें साबूदाना डाल देंगे जो हमने पहले ही भिंगो के रखा था। ये देखिए बिल्कुल भी आपस में चिपका चिपका नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, खिला खिला है, बिल्कुल गीला नहीं है। अगर आपका साबूदाना गीला हो जाता है तो आप उसे पेपर के ऊपर फैला के थोड़ी देर पंखे की हवा में रख देंगे तो वो फ्रेश हो जाएगा, चिपका चिपका नहीं रहेगा। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मूंगफली के दाने लिए हैं। मूंगफली को मैंने भून के दरदरा पीस लिया है। 5 से 6 मैंने मिर्ची को काट के डाला है। मिर्ची आप अपने तीखे के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो ये मिर्ची डाला है वो ज़्यादा तीखा नहीं है। 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक, चाहे तो अदरक को आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। 10 से 12 मैंने कढ़ी पत्ता लिया है, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हमारे साबूदाना के वड़े में। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरी धनिया, 1/2 चम्मच साबुत जीरा। इसमें से आप कोई भी मसाले या कोई भी चीज़ व्रत में नहीं खाते हैं तो उसे आप ना डालें, उसके बिना भी आप इस वड़े को बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। ये मैंने व्रत वाला नमक लिया है, जिसे सेंधा नमक बोलते हैं। यह नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी इसमें डाल सकते हैं। अगर आप इसे नॉर्मल डेज के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें प्याज, चाट मसाला और भी थोड़े से मसाले ऐड करके बना सकते हैं। काफ़ी चटपटा वड़ा बन के तैयार होगा आपका। जो हमने आलू मैश करके रखा था वो भी डाल देंगे इसमें। सभी चीज़ों को हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छे से इस प्रकार से दबाते हुए मिक्स कर लेंगे। साबूदाने के वड़े काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। उपवास में थोड़ा चटपटा खाने का अगर आपको इच्छा हो तो झटपट इस वड़े की रेसिपी को बना के खा सकते हैं आप। दिन में जब भी आपके पास समय हो आप साबूदाने को 2-3 घंटे के लिए भिंगो के छोड़ दीजिए। मिश्रण हमारा बन के तैयार है। अब हम थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा मिश्रण इस प्रकार से हाथ में ले के गोल आकार देते हुए इसे दोनों हथेलियों के बीच में इस प्रकार से चपटा कर लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से ये बनके तैयार हो गया है। टिक्कियों का जो साइज़ है वो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं। इसी प्रकार से हमें थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेना है, इस प्रकार से गोल आकार देते हुए इसे चिकना कर लेना है और दोनों हथेलियों के बीच में इस प्रकार से इसे चपटा कर लेना है। और साइड से अगर ये फट रहा है तो इस प्रकार से इसे घुमाते हुए चिकना कर लें और इस प्रकार से दबा लें। बस कितनी आसानी से हमारी टिक्की बन गई है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में रख लेते हैं और इसी प्रकार से एक एक करके हम सारी टिक्कियों को बना के तैयार कर लेते हैं। मिशन से मैंने कुछ टिक्कियों को बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसे सेल्फ फ्राई करने के लिए चलते हैं। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं या थोड़े से ऑयल में इसे सेक भी सकते हैं। तो चलते हैं इसे सेकने के लिए। मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है। अब हम इसमें एक टिक्की डाल के चेक करते हैं। ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तेल में बबल्स आ रहे हैं। अब हम एक एक करके टिक्कियों को इसमें डाल देते हैं। गैस का आँच हम मीडियम रखेंगे। इसे सेकते समय तेल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस का आँच मीडियम कर दें और इसे एक तरफ से अच्छे से सिकने दें। जब तक ये एक तरफ से नहीं सिकेगा तब तक हम इसे नहीं पलटेंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगे। एक पलट के चेक करते हैं कि ये नीचे से सिका है कि नहीं। अभी ये अच्छे से नहीं सिका है तो थोड़ा सा और हम इसे सिकने देते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने एक पलटा लेकिन इसके ऊपर हल्का सा सुनहरा कलर नहीं आया है। अब थोड़ी देर हो गया है तो इसे पलटते हैं, क्योंकि साइड से दिख रहा है कि हल्के से सुनहरे हो गए हैं नीचे से। ये देखिए तो एक एक करके हम इसे पलट लेंगे। हमें इसे दोनों तरफ से अच्छा सुनहरा कलर आने तक सेकना है।
चाहें तो ज़्यादा तेल डाल के आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, या उपवास में अगर आप घी खाते हैं तो आप इसे घी में तलें। अभी इस समय चारों तरफ कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिसकी वजह से लोग घर में रह रहे हैं। सेफ्टी के लिए घर में चीज़ों को बनाएं, खाएं, क्योंकि अभी तो चारों तरफ लॉकडाउन हुआ पड़ा है और कहीं किसी को जाना नहीं है। तो घर में रह के उपवास में आप बनाएं, खाएं और बाहर के खानों का इस्तेमाल ना करें। एक बार और हम इसे पलटेंगे। हमें इसे दोनों तरफ से पलट के अच्छा सुनहरा कलर आने तक सेकना है, और जब ये पक जाएगा तो हल्का सा फूल जाएगा। टिक्कियाँ हमारी अच्छे से सुनहरी हो गई हैं और ये फूल भी गई हैं। ये देखिए, इसका साइज़ पहले से थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो अब हम इसे एक दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर के ऊपर। साबूदाने के जो वड़े हैं वो काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं, और ख़ास बात ये है कि जो तेल है वो बस इसे सेकने में लगता है, इसके अंदर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं होता है। एक्स्ट्रा ऑयल इसमें तभी होगा जब आपका मिश्रण गीला होगा। तो इसे टिश्यू पेपर में प्लेट के ऊपर निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से बचे हुए मिश्रण से भी हम टिक्कियों को तल के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारे साबूदाने के वड़े बन के तैयार हैं, और मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी हैं और अंदर से ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट। तो आप इस बड़े की रेसिपी को इस नवरात्रि में बनाएं, खाएं और सभी को खिलाएं। चाहें तो आप इसे दही वाले आलू के साथ सर्व कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है और उसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। आप इसे बनाएं, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और हाँ, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो आपका एक लाइक मुझे मिलता है वो मेरे उत्साह को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में, तब तक के लिए बाय बाय।